अगर आप भी डेली मोशन पे वीडियोस बनाना चाहते हैं या फिर अपलोड करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली मोशन के बारे में। अगर आपको नहीं पता डेली मोशन क्या है तो एक छोटा सा इंट्रो मैं आपको पहले डेली मोशन के बारे में यहाँ बताना चाहूँगा। बेसिकली डेली मोशन एक कंपनी है या फिर कह लीजिए एक वेबसाइट है जहाँ पर आप अपनी वीडियोज़ को बना के पब्लिश कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बेसिकली डेली मोशन का जो कॉन्सेप्ट है ये यूट्यूब की तरह से ही है, पर डेली मोशन में कुछ एडवांटेज हमको देखने के लिए मिल जाते हैं और कुछ डाउन साइड हमको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर डेली मोशन पे भी आप वीडियोस बनाने के सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या डेली मोशन पे वीडियो बनाना आपके लिए सही रहेगा या नहीं। तो बहुत हो गया इंट्रो, इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते रहिए। सबसे पहले अगर आप एक क्रिएटर है या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं भी वीडियो बना के पैसा कमाना चाहता हूं और कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए जहां पे मैं वीडियोस को शेयर करूं और वहां से डेली बेसिस पे कुछ रेवेन्यू अर्न करूं, तो आपके पास दो तरीके के यहां पे ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है यूट्यूब और दूसरा है डेली मोशन। यूट्यूब की हम यहाँ पर बात करें तो अभी का समय है 2020 और आज के समय पर यूट्यूब पर काफ़ी कॉम्पिटिशन हमको देखने के लिए मिल जाता है। यूट्यूब पर कुछ पैरामीटर हमको देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली है, जैसे कि आपको 4000 वॉच टाइम यहाँ पर कवर करने होंगे, साथ साथ 1000 सब्सक्राइबर बेस, साथ साथ आपके ओवरऑल चैनल पे 10000 व्यूवर्स होने चाहिए। ये जो पैरामीटर है ये बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि अभी तक मेरे चैनल पे 4000 वॉच टाइम कवर नहीं हुए हैं और मेरे चैनल को यहाँ 3 साल हो चुके हैं, तो इससे एक बेटर अनुमान आप लगा सकते हैं कि यूट्यूब कितना स्ट्रिक्टली अपने कंडीशन को फॉलो करता है और उसके जो पैरामीटर है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के। अगर आप एक नया YouTube चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल सकता है। अब हम बात करते हैं डेली मोशन के बारे में। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा डेली मोशन के बारे में ये मिल जाता है हमको देखने के लिए कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल बिल्कुल नहीं है। अब कॉम्पिटिशन लेवल वहाँ पर नहीं है, यही सबसे बड़ा उसका डाउन साइड है। इसके बारे में आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले डेली मोशन की अगर मैं आपको बात बताना चाहूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर, अगर आप डेली मोशन पे वीडियोस बनाने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी तरह के हाई पैरामीटर आपको देखने के लिए नहीं मिलते, हाई टर्म एंड कंडीशन आपको देखने के लिए नहीं मिलती। आप आधे से एक घंटे में चैनल को वहाँ पे बना सकते हैं और अगर आपके पास वीडियो बनी हुई है या फिर वीडियोस को आप बनाना चाहें तो आप 1 से 1.5 घंटे में प्रॉपर ही अपने चैनल को ओवरव्यू करके कस्टमाइज़ करके वीडियोज़ को पब्लिश भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज हमको देखने के लिए मिल जाता है डेली मोशन की तरफ से, वहाँ पे किसी भी तरीके का ऐसा पैरामीटर नहीं दिए गए हैं जो कि अर्निंग्स को आपके रोके। इसका मतलब आप एक वीडियो उसको पब्लिश करके अगर आपके पास कुछ वहाँ पे व्यूअर्स भी आ जाते हैं तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग में आप अपने चैनल को मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हैं। यूट्यूब के तरीके से वहाँ पे किसी भी तरीके के आपको पैरामीटर देखने के लिए नहीं मिलते, किसी भी तरह की पाबंदी देखने के लिए आपको वहाँ नहीं मिलती है। पर हम बात करते हैं डेली मोशन के सबसे बड़े डाउन साइड की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बड़ा डाउनसाइड डेली मोशन का ये है कि वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, वहाँ पे कंपटीशन नहीं है, वहाँ पे व्यूअर्स नहीं है। देखिए, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप भी डेली मोशन पे वीडियोस बनाना चाहते हैं या फिर अपलोड करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली मोशन पर अगर आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो पर्सनली जो मेरे साथ हुआ है उसके आधार पर मैं आपको बताऊं, सोलो टेक नाम से मेरा डेली मोशन पर चैनल है, आप चाहे तो उसको सर्च भी कर सकते हैं। डेली मोशन पर मैंने एक वीडियो अपलोड करी और 1 से 2 वीक में मेरे पास सिर्फ 6 व्यू आए। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, 6 व्यू मेरे पास आए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर डेली मोशन के जो व्यूअर्स है या फिर जो पब्लिक वहाँ पर आती है जो डेली मोशन को यूज़ करती है उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम एक सर्वे के मुकाबले बात करें तो इंडिया में 25% ही लोग डेली मोशन को यूज़ करते हैं, वो भी डेली बेसिस पे नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि डेली मोशन पे कंपटीशन तो कम है, बाकी वहाँ पे ट्रैफिक्स का मतलब मेरा ऑडियंस से लेके है, ऑडियंस हुआ, पब्लिक हुई, विजिटर हुए, वो काफ़ी कम है। तो स्टार्टिंग में आपका जो चैनल है वो ग्रोथ नहीं करेगा। अब अगर हम यूट्यूब की बात करें तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है और बहुत ही लोगों को प्रॉफिटेबल यहाँ बिजनेस वो प्रोवाइड करवाती है। डेली मोशन की बात करें तो स्टार्टिंग में अगर आप करियर बनाने की सोच रहे हैं डेली मोशन पे तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। यूट्यूब पे कई वीडियोस ऐसी अवेलेबल है जो कि डेली मोशन के बारे में आपको ये बताती है कि डेली मोशन एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म रहेगा आपके लिए। अगर आप डेली मोशन पे परफेक्ट रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं या डेली बेसिस पर रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो डेली मोशन आपके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पर विजिटर नहीं है। उम्मीद है आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे और आप सही डिसीजन लेंगे एक प्लेटफॉर्म के प्रति। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में,
इस वीडियो में जानने लायक आपको कुछ भी लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, साथ में अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई थ्योरी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक देखते रहिए सोलो टेक। थैंक यू वेरी मच।